पत्रकार परिषद योजवामां आवी छे। सीधा जो देने के पहले कुछ अहम बातें मैं करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने एक रिक्वेस्ट की कि अहमदाबाद के कुछ इलाकों में बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से भी रहते हैं, तो एक दिन मैं अपनी बात हिंदी में रखूं, इसलिए आज मैं जो चर्चा करूंगा वो हिंदी में करूंगा। अनेक लोगों ने ये पूछने का प्रयास किया है कि कोरोना वायरस से जो उत्पन्न हुई परिस्थिति है, जो एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, उसका सामना करने में अब तक की हमारी रणनीति क्या रही है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है और आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होगी। आज इस बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के सामने जो हमारी प्रतिक्रिया अहमदाबाद शहर में रही है, उसकी शुरुआत पहले दो महीने, पहला जो चरण था जनवरी एवं फरवरी, ये दो महीने तैयारी के महीने थे, जहां शांति से हमने सभी पहलुओं का अभ्यास करके सभी प्रकार की तैयारियां अहमदाबाद शहर में की। खास करके एक अच्छे से अच्छा अस्पताल जो है उसको तैयार किया गया, जो कि आज जब देश भर में ही नहीं परंतु दुनिया भर में सबसे अच्छे जो अस्पताल हैं उसकी श्रेणी में खड़ा है, ताकि जो मरीज़, जो भी नागरिक हमारे कोरोना से पीड़ित हों, उनको हम एक ग्लोबल केयर, ग्लोबल क्वालिटी का उच्चस्त कक्षा का केयर दे सकें। सारे इक्विपमेंट्स की तैयारियां जनवरी फरवरी के महीने में की गई, मास्क, N95 मास्क, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, इन सब की तैयारियां जनवरी और फरवरी महीने में की गई। मुझे याद है कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि जब 1.5 रुपये में एक मास्क मिल रहा था उस समय हमने लाखों मास्क खरीद लिए थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लाखों करोड़ों रुपए का बिना वजह खर्च कर रहे हैं, जबकि एक भी केस आपके यहाँ नहीं है। उस समय से हमारी एक टीम है जो पूरे दुनिया भर में किस प्रकार हर देश में कोरोना फैल रहा है, हर देश की प्रतिक्रिया कैसी है, कहाँ से हम सीख सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, डिजीज़ का, इन्फेक्शन का पैटर्न क्या है, कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, मिटिगेशन प्लान्स क्या हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है, क्यूरेटिव स्ट्रेटजी क्या है, लेटेस्ट एडवाइजरीज क्या हैं, इन सब का गहन अध्ययन करके हमारी एक नज़र सतत बनी हुई है कि दुनिया भर में, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ के देश क्या कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहा है कि हर देश से जो अच्छी से अच्छी जो पद्धति है उसका हम अनुकरण अपने शहर में करें, अपने देश में भी अन्य शहर, अन्य राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका हम लोग निरंतर अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट, जनवरी और फरवरी का महीना तैयारी का था। 24 जनवरी को पहली बड़ी ट्रेनिंग अहमदाबाद सिटी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गई थी। मुझे संतोष है कि हमने समय रहते अपनी तैयारियाँ की और तैयारियाँ पूरी अच्छी तरह से की। दूसरा चरण जो इस चुनौती में आगे जब हम बढ़े, तो मार्च के पहले 15 दिन में वो आया जन जागृति का, क्योंकि उस समय तक इस चीज़ का आभास हो चुका था। 8 मार्च को WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया, उसके 2 दिन पहले 6 मार्च को हमने डिटेल्ड एक्शन प्लान अपना अनाउंस किया। उस समय जन जागृति कि लोग किस प्रकार से घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें, जाहिर स्थलों पर थूके नहीं, उसके बाद बिना किस प्रकार से बाहर जब निकलें तो कफिंग एटिकेट, स्नीजिंग वगैरह के समय ध्यान रखना, नमस्ते अहमदाबाद कैंपेन हमने चलाया, हैंडशेक नहीं करना, तो इस प्रकार की सारी कार्रवाई जो जन जागृति की, इसमें लोगों को समझाया भी गया और थोड़ा सख्ताई करके काफ़ी लोगों को दंड भी किया गया। 25-30 लाख रुपये का पेनल्टी तो सिर्फ लगाया गया स्पिटिंग पर। तीसरा चरण शुरू हुआ 15 मार्च से लेकर मार्च के अंत तक। इस समय जो तीसरे चरण में सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण लेकर यहाँ आएँ और यहाँ पर संक्रमण फैल जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। अहमदाबाद शहर में लगभग 6,000 के आसपास लोग मार्च के महीने में, 22 मार्च तक जब तक विमान चल रहे थे, फ्लाइट चालू थी, 6,000 के आसपास लोग आए, उनसे
हो सकता था कि 5-10 लाख लोगों तक इन्फेक्शन उन्हीं के कारण स्प्रेड हो जाता, परंतु उस चुनौती में हमें संपूर्ण सफलता मिली। कहीं पर भी उस 6,000 लोगों के कारण इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाया। होम क्वारंटाइन की जो चुस्त व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई शहर में, उनका हमें अच्छा परिणाम मिला। बाहर से जो लोग आए उनके कारण जो संक्रमण फैलाने का एक जो डर था और जो चुनौती थी, उसको संपूर्ण रूप से हम लोग टैकल कर पाए हैं। उसके बाद अब ये अप्रैल महीना जो है, इसमें चौथे चरण में ये चुनौती है कि जब हमारे यहाँ अहमदाबाद सिटी में कुछ लोग मुंबई से, कुछ लोग इंदौर से, जहाँ इन्फेक्शन केसेस थे वहाँ से आए, और काफ़ी लोग दिल्ली से, निज़ामुद्दीन में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ से भी काफ़ी लोग आए, और इसके कारण जो पूरी एक तैयारी की गई थी, एक प्रकार का हम कहेंगे कि किलाबंदी थी कि बाहर से कहीं पर भी संक्रमण ना आ पाए, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट आया। इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं थी, स्वाभाविक है, इसके कारण इन्फेक्शन कुछ स्प्रेड हुआ। अप्रैल महीने में पूरी की पूरी हमारी जो स्ट्रेटजी रही है कि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, खास करके पुराने अहमदाबाद शहर में, पूर्वी अहमदाबाद शहर में, जहां अभी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, वॉल्ड सिटी के एरियाज जो हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी अब तक रही है कि जो भी संक्रमित केसेस हैं उन सबको हम लोग इंटेंसिव सर्वेलेंस एवं एग्रेसिव टेस्टिंग करके सामने से ढूंढ निकालें। अहमदाबाद में हमने 9 अप्रैल को इस स्ट्रेटजी को घोषित किया, जब हमने इसको नाम दिया चेजिंग द वायरस, यानी वायरस हमें सरप्राइज करे, इसके बजाय हम सामने से जाकर जितने भी इन्फेक्टेड केसेस हैं उन सभी को ढूंढ निकालें, ढूंढ कर उन सभी केसेस को आइसोलेट करें और ट्रीट करें। ऐसा करने से केस हम जल्दी पकड़ पाएंगे, केस हम ज़्यादा पकड़ पाएंगे, केस हम सामने से पकड़ पाएंगे। इस स्ट्रेटजी में सिर्फ पैसिव सर्वेलेंस हम करेंगे, यानी हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, तो केस जो है वो जब गंभीर हो जाएगा, कई दिनों तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा, उसके बाद केस हमारे पास आएगा, तब तक केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका होगा, उसको बचाना मुश्किल होगा, और उसके कारण सैकड़ों हज़ारों लोगों को संक्रमण लग चुका होगा। एक जो अनुमान है हमारा कि अब तक 900 से ज़्यादा केस हम लोग अब प्रोएक्टिवली ऐसे पकड़ चुके हैं, इनके कारण करीब 3-3.5 लाख जितने इन्फेक्शन्स हो सकते थे उनको हम रोक सके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आगे क्या होगा, अब आगे की लड़ाई किस प्रकार से चलेगी। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अप्रैल की लड़ाई में एक किलाबंदी करके, यानी हम अपने आप को बचा रहे हैं, लॉकडाउन करके अपने घरों में रह रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अगले महीने यानी मई महीने में, खासकर 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये जो चुनौती है और इसको किस प्रकार से हम टैकल करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक प्रकार से लड़ाई किलेबंदी, किले में से निकलकर खुले मैदान में ये लड़ाई आएगी, क्योंकि हम लोगों को इससे ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा कि कितना ज़्यादा हम लॉकडाउन में रहेंगे। तो जब लोग बाहर आएंगे, लॉकडाउन खुलेगा, तब जो लड़ाई होगी वो लड़ाई काफ़ी रिस्की है, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन को स्प्रेड होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो उस समय लड़ाई जो चुनौती जो होगी, उसमें ये महत्वपूर्ण होगा कि कितने इन्फेक्शस केसेस शहर में हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि हम लोग जब निकल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, 3 मई के बाद बाहर, तो हम लोगों की तैयारी कैसी है, हम लोगों की आदतों में हम कितना परिवर्तन ला पाए हैं। यदि हम तब तक अपनी आदतों में इतना परिवर्तन ला चुके होंगे कि बाहर निकलते समय मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को एवं उसके महत्व को संपूर्ण रूप से समझें, पब्लिक प्लेसेस पर स्पिटिंग ना करें, एक दूसरे से संपर्क में ना आएं, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हम कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा आने वाले समय में कि हम वायरस से कितनी सफलतापूर्वक लड़ पाते हैं। और स्वाभाविक है कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि 3 मई के बाद शहर में कितने संक्रमित केस बचते हैं, उसके वहाँ से फिर जो है वायरस फैलना फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए अब हमारे पास लगभग 14 दिन जो समय बाकी है, वो 14 दिन में जो लॉकडाउन अभी और है 14 दिन का, उस 14 दिन में लॉकडाउन की क्वालिटी को हम लोग कितने अच्छे से निभाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो वायरस का स्प्रेड, वायरस के संक्रमण की गति फिर से कितनी हो जाती है। और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
कि यदि हम 14 हफ्ते का भी लॉकडाउन करें और वो लॉकडाउन असरकारक नहीं है तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिजन में 14 दिन का भी यदि संपूर्ण लॉकडाउन हम अपने शहर में कर पाते हैं, 14 दिन तक यदि सभी नागरिक अपने अपने घरों तक सीमित रहेंगे, तो मान लीजिए 100 केस होंगे तो वो 100 के 100 केस एक अनेक अलग अलग घरों में होंगे और वो 100 के 100 लोग जो है उस वायरस को हरा देंगे। दो चार केस में जहाँ कॉम्प्लिकेशन होगा वहाँ पर हम उनको अस्पताल ले जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे, परंतु वायरस फैल नहीं पाएगा। हमें ये समझना है कि कोरोना वायरस की जो ताकत है वो उसकी फैलने की क्षमता है, उसकी जो कमजोरी है कि वह बुद्धिमान नहीं है। इंसान हम कोरोना वायरस को कब हरा पाएंगे? जब हम अपनी बुद्धि का, हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए उसको हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद उसको चाहिए। ये मदद यदि हम उसे नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस फैल नहीं पाएगा। इसलिए मैं आगे आज के आंकड़े दूं उसके पहले फिर एक बार अहमदाबाद के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अहमदाबाद महानगर पालिका की जो तैयारी है, जो हमारी अभी तक की जो कार्रवाई है, उस पर पूरी तरीके से स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत ही तैयारी के साथ काम चल रहा है। किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर हमें कितनी सफलता मिलती है ये ज़्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सभी नागरिक हमारा कितना समर्थन करते हैं, हमारी हर बात को कितना मानते हैं। यदि आपका साथ सहयोग हमें पूरा प्राप्त हुआ तो बहुत ही कम समय में इस बीमारी को, इस वायरस की चुनौती को हम संपूर्ण रूप से हरा पाएंगे। लेकिन यदि साथ सहयोग हमें सिर्फ 90%, 95% मिलेगा तो ये लड़ाई और लंबी खींचती जाएगी। इसलिए हर अहमदाबादी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले 14 दिनों तक लॉकडाउन संपूर्ण रूप से पालन करें। आने वाले 14 दिनों में घर से निकलना संपूर्ण रूप से बंद कर दें। हमारे पास ये 14 दिन हैं, अगर हमने इसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं किया तो फिर ये लड़ाई लंबी चलती जाएगी, कई अनेक महीनों तक चली जाएगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 14 दिन जो बचे हैं 3 मई तक के, उनका पूरा पूरा भरपूर हम फायदा उठाएं इस वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने को। मेरा मानना है कि अहमदाबाद के नागरिकों ने पहले भी अनेक अभियान में हमारे साथ जुड़कर बहुत ज़बरदस्त एक जन जागृति का प्रदर्शन किया है। स्वच्छ साबरमती महाअभियान हो, चाहे पेड़ लगाने की मुहिम हो, चाहे स्वच्छता की बातें हों, हर बात में हमारे नागरिकों ने हमारा साथ सहयोग दिया है। इस बार फर्क यही है कि हमें 99% सक्सेस से काम नहीं चलेगा। सब लोग आप इस पूरी बात को गंभीरता से समझें और हमारा साथ सहयोग करें। अब जो कुछ आंकड़े हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन सूचना दूंगा कि कल शाम तक अहमदाबाद शहर में 1077 पॉजिटिव केसेस थे। उसके बाद आज सुबह तक 91 नए केसेस आए हैं और कुल केसों की संख्या 1168 हुई है। नए जो 91 केस आए हैं उसमें से मध्य जोन से 61, दक्षिण जोन से 13, उत्तर जोन से 6, दक्षिण पश्चिम जोन से 2, पश्चिम जोन से 2, उत्तर पश्चिम जोन से 1 एवं पूर्व जोन से 6। इस प्रकार से 91 केसेस टोटल आए हैं। 3 डेथ्स हुई हैं, टोटल डेथ्स की संख्या 34 होती है। 5 डिस्चार्ज SVP हॉस्पिटल से अन्य किए गए हैं। टोटल अब तक 7 डिस्चार्ज सिविल हॉस्पिटल से किए जा चुके हैं और 28 जो हैं डिस्चार्ज SVP हॉस्पिटल से, कुल 35 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मेरा मानना है लगभग 23 या 24 तारीख से डिस्चार्ज की संख्या में बहुत जल्दी से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8 या 9 तारीख के आसपास हमारे अधिकांश केसेस बड़ी संख्या में आने शुरू हुए थे, तो उनको जब 14-15 दिन होंगे तो 23-24 तारीख से अगले 3-4 दिन के बाद जो डिस्चार्ज हैं उसकी संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेबोरेटरी में जो केसेस की टेस्टिंग की गई है उसमें अभी तक पैसिव सर्वेलेंस में 1828 केस टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 228 पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव सर्वेलेंस में 12,675 केस अब तक टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 940 पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो केस हैं जो सामने से ढूंढे गए हैं। कुल RT-PCR के जो
टेस्ट्स हैं वो 14,503 टेस्ट अब तक अहमदाबाद में हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब अहमदाबाद शहर का जो टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड है वो पूरे देश में अन्य सभी राज्यों अन्य अनेक शहरों की तुलना में बहुत ज़्यादा हम आगे पहुँच गए हैं। इवन जापान जैसे जो देश हैं उनमें भी जो पर मिलियन टेस्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट अहमदाबाद सिटी में हो चुके हैं। अब सिर्फ यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं उनमें ही उनके शहरों में ही हमसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की एग्रेसिव टेस्टिंग की हमारी जो स्ट्रेटजी है हम उस पर कायम रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे हम सामने से केस ढूंढने में, जितनी मेहनत करेंगे हम टेस्टिंग करने में, उतने ज़्यादा केसेस, उतने केसेस जल्दी हमें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके कारण हम संक्रमण को रोक सकेंगे। एक अन्य बड़ा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि कल रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है, रैपिड टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उनकी किट्स हमारे पास आ गई थी। तुरंत सारी टीम्स को तैयार किया गया, ट्रेन किया गया और कल ही टेस्टिंग शुरू कर दी गई थी। और कल के दिन में 264 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किए गए, जिसमें से एंटीबॉडी टेस्ट 8 के पॉजिटिव आए। इसका मतलब ये है कि ये 8 लोग ऐसे हैं जिनमें या तो वायरस से वो ग्रस्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अभी भी वायरस उनमें हो भी सकता है, परंतु एंटीबॉडीज उनके यहाँ पाई गई हैं। तो इन 8 लोगों का आज PCR टेस्ट किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 8 लोग जो हैं ये ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं या फिर अभी भी इनमें वायरस मौजूद है। चेक पोस्ट में 8,863 जो ओल्ड सिटी एरिया के अराउंड लगाई गई हैं उसमें स्क्रीनिंग की गई है। टोटल सैंपल्स, टीम्स, सर्वेलेंस वगैरह की कार्रवाई जो है वो उसी प्रकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। होम क्वारंटाइन, टोटल क्वारंटाइन लोगों की संख्या 4,972, लगभग 5,000 के आसपास लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में जा चुके हैं। इसके अलावा आज जो पिछले हफ्ते से एक निर्णय हमने किया था सुपर स्प्रेडर्स को टारगेट करने का, तो अभी तक जो भी पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स हैं, ये एक अहमदाबाद की हमारी एक और अन्य स्ट्रेटजी है कि हम सुपर स्प्रेडर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सुपर स्प्रेडर्स हम उन्हें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रोजगार या जो भी कारण है उसके कारण अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। तो यदि सुपर स्प्रेडर पॉजिटिव होगा तो वो ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा बनिस्पत के एक ऑर्डिनरी सिटीजन के। सुपर स्प्रेडर्स में वेजिटेबल वेंडर्स हैं, किराना शॉप ओनर्स हैं, इसके बाद जो मेडिकल स्टोर के ओनर्स हैं, उसके बाद जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के हमारे जो लोग हैं, ये सब सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज सुबह से अहमदाबाद शहर के सभी 7 जोन के सभी 48 वार्ड में एक साथ एक बहुत बड़ा कैंपेन हाथ पर हमने लिया है अर्ली मॉर्निंग से, सुपर स्प्रेडर्स का स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एवं उनका इन्फेक्शन मैनेजमेंट करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की टीम्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये सभी टीमें शहर भर में घूमकर जो भी सुपर स्प्रेडर्स हैं वो मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ 11 बजे तक 91 केसेस में आइडेंटिफाई करके उनको 1,000 रुपये की पेनल्टी की गई है एवं उनको ये हिदायत दी गई है और वो मास्क पहने ये सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्क्रीनिंग करने के लिए, हेल्थ चेकअप करने के लिए टीम्स पूरे शहर भर में कार्यरत हो गई हैं और स्क्रीनिंग में जिनके भी केसेस में सिम्टम्स कुछ भी लक्षण देखने को मिलेंगे उनके टेस्ट भी शाम तक कर लिए जाएंगे। तो एक के बाद अनेक, एक एक करके अनेक प्रयास अहमदाबाद में हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के ग्रुप को हम छोड़ ना दें, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को छोड़ ना दें। स्लम्स हैं, चौल्स हैं, सब में हम प्रोएक्टिवली, और ये जो सर्वेलेंस है, इस प्रकार की सर्वेलेंस व्यवस्था अब हम खड़ी कर पाए हैं, जिस पर मुझे बहुत ही गर्व है कि जो मेरे टीम के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, मेरी जो अपेक्षा थी उससे अनेक गुना ज़्यादा अच्छा काम कर ला रहे हैं। और एक ऐसी क्षमता अपने शहर में खड़ी हो गई है कि हज़ारों की संख्या में इक्का दुक्का केस भी जो अगर इन्फेक्टेड है उसको भी हम लोग सामने से जाकर ढूंढने में सफल हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय और किया गया है आज राज्य सरकार द्वारा, मुझे आशा है कि दोपहर तक, देर शाम तक उसके औपचारिक आदेश आ जाएंगे। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने की अनुमति दी गई है।
तो इसके औपचारिक आदेश आ जाने के बाद संबंधित अस्पतालों के साथ संपर्क स्थापित कर ये व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ पर भी सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं और पेशेंट्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकेंगे। उसके अलावा आज अपनी बात पूर्ण करने से पहले एक मेरे साथी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं श्री देवन भट्ट, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। श्री देवन भट्ट को अपनी ड्यूटी निभाते हुए 3-4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव उनको पाया गया, उसके बाद उनको SVP हॉस्पिटल में ले जाया गया। वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इज़ इन अ गुड कंडीशन, स्टेबल हैं। श्री देवन भट्ट ने मेरा संपर्क करके और एक इच्छा व्यक्त की कि मैं चूंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे शिफ्ट किया जाए जो कोविड केयर सेंटर है समरस हॉस्टल में, और मैं वहां अंदर रहते हुए भी जो अंदर के जो मैनेजमेंट वगैरह हैं उनकी देखरेख करना चाहूँगा, अपनी ड्यूटी निभाना चाहूँगा, और जो अन्य पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको भी पूरा का पूरा मैं मदद करना चाहूँगा। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही सुंदर उनकी तरफ से एक भावना प्रकट की गई है, और अभी वो समरस हॉस्टल जो है वहाँ कोविड केयर सेंटर है वहाँ श्री भट्ट पहुँच गए हैं। मेरा मानना है कि जब तक हमारी टीम में ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, तब तक हम अपनी लड़ाई जो है वो सफलतापूर्वक लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद। मध्य जोन में 61 केस नोंधाया है, अमदावाद में पूर्व जोन में 6 केस, जो कि कमिश्नर विजय नेहरा द्वारा यह पण कहेवामां आव्युं छे कि चेस द वायरस आ स्ट्रेटजी नो उपयोग करवामां आव्यो छे, अने जे पण संक्रमित लोको छे तेमने शोधवामां आवी रह्या छे जेथी ते वायरस वधारे प्रमाणमां स्प्रेड न करे। अमदावाद में आज नवा 91 केस पॉजिटिव मळी आव्या छे, अने जे कॉर्पोरेशननी ज रणनीति छे।